सिफारिश करोगे तो अब कार्रवाई होगी। पंजाब के आला हुकाम सिफारिशों से सख्त परेशान आ चुके हैं। तकरीर तबादले के लिए पंजाब में सिफारिशी कल्चर मजबूत जबकि रवायत बन गया है। सिफारिशी अफसरान के खिलाफ हुकूमत का सख्त कार्रवाई का फैसला मरासला जारी। इस बारे में तफसीलात क्या हैं फारूक बोदला से जानेंगे। फारूक बोदला बताइएगा, आप सिफारिश करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हुकूमत पंजाब में जो है नून लीग के दौर की तरह जो है पीटीआई के दौर में भी सिफारशी कल्चर का खात्मा नहीं हो सका है और ये एक सरकारी महकमों में अफसरान के तकर्रर तबादला के हवाले से ये सिफारशी कल्चर जो है एक मजबूत रिवायत बन चुकी है जिसका खात्मा जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से महकमा सर्विसेज के 17 ग्रेड के जितने भी अफसरान हैं उनके असर और रसूख के इस्तेमाल करने का इंकशाफ महकमा सर्विसेज के एडमिन विंग की जानिब से जारी किए गए मरासले से हुआ है और मरासले में ये इस बात का वाजह इंकशाफ किया गया है कि अफसरान जो हैं वो अपने तकर्रर तबादला के हवाले से और अपनी मनपसंद जगहों पर तैनाती के लिए अपने सिफारशी जो है सिफारिश इस्तेमाल करते हैं या तो सियासी असर का इस्तेमाल करते हैं या फिर अफसरान के जो है वो अप्रोच करवाते हैं वजीर आला को, गवर्नर को, वज़रा और मुतलका अफसरान को जो है वो सिफारिशें करवाई जाती हैं जिससे टांग अंगाकर हुकूमत पंजाब की महकमा सर्विसेज को बाकायदा तौर पर एक मरासला जारी करना पड़ा। तकरीबन 10 रोज पहले लाहौर न्यूज ने इस हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ किया था जिसमें बताया गया था कि 17 ग्रेड के जो अफसरान हैं जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स भी हैं मुख्तलिफ अजला में तैनात हैं, जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू भी शामिल हैं, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। बहुत शुक्रिया आपका फारूक बोदला।